दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडी में नेक्स्ट मेथड हमारा रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड और वी कैन से दैट आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड और सिंपली वी कैन से दैट रंगा कुत्ता मेथड। ध्यान से देखिए हमारा ये अगेन एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है और ये हमारा सबसे बेटर रिजल्ट देता है जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पढ़े हैं ओडी के अंदर। देखिए कैसे हमारा बेस्ट रिजल्ट देता है ये। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है dy / dx = 1 + y² विद सम इनिशियल कंडीशंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट y at 0.4 with a step size of 0.2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास हमें x नोट गिवन है कितना 0, x1 क्या होगा 0 में 0.2 ऐड कर दो और x2 क्या होगा 0.2 में एक और 0.2 ऐड कर दो यानी कि 0.2 एंड 0.4। मतलब हमें ये मेथड को दो बार चलाना पड़ेगा टू स्टेप में। अब देखिए x नोट पे y नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0, तो मुझे क्या निकालना है y1 निकालना है और y2 निकालना है। हम क्या करेंगे इसको इनिशियल ट्रीट करके एक स्टेप में हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे x1 और y1 की। अब y1 मेथड हमारे पास क्या होगा, y1 को हम इस तरह से लिखेंगे y1 इज y नोट प्लस k, जैसे इसमें हमने कुछ h ऐड किया है x नोट प्लस h, तो इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया k। अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए रंगकुत्ता फोर्थ ऑर्डर में k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, k फोर्थ ऑर्डर है तो 4k निकलेंगे आपके पास कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला इसका सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है y नॉट प्लस k में k, k आपके पास होता है k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 डिवाइड बाय 6, ये k का फॉर्मूला है। अब k1 k2 k3 k4 कैसे निकालेंगे ध्यान से, तो k1 हम कैसे निकालेंगे, k1 इज हमने सभी ने आइलर्स मेथड में क्या पढ़ा था y1 इज क्या होगा y नोट प्लस h f x नोट y, दिस इज योर इंक्रीमेंट इन सॉल्यूशन, जो इंक्रीमेंट इन सॉल्यूशन होता है यही आपका फर्स्ट वैल्यू बनती है दैट इज k1। तो k1 को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, तो k1 हो गया h f x नोट कोमा y। अगला चलते हैं k2, अब k2 निकालने के लिए हमें इसका इनिशियल का यूज करना पड़ेगा पर हम डायरेक्ट x नोट से x1 पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे h f x नोट प्लस h बाय 2 इसके मिडल यानी कि x नोट और x1 के बीच में किसी एक पॉइंट में वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पर आ जाएगा y नोट प्लस k1 बाय 2। देखिए ध्यान से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास k1 का यूज करके हमने k2 निकाल लिया, अब निकालेंगे हम k3, k3 का यूज करने के लिए हमें k2 निकालना होगा, अगेन h f x नोट प्लस h बाय 2 y नोट प्लस k2 बाय 2 बाय दिस फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट k4, k4 निकालने के लिए h हम सीधा नेक्स्ट अगले पॉइंट पे ही चले जाएंगे दैट इज x नोट प्लस h एंड y नोट प्लस k3, तो ये चार वैल्यूज निकल गई k1 k2 k3 k4। अब देखिए ये हमारे फर्स्ट पॉइंट पे है, ये हमारे लास्ट पॉइंट पे, तो इसलिए ये दोनों सिंगल सिंगल यूज हो गई, ये हमारे दोनों मिडिल पॉइंट पे है, मिडिल पॉइंट पे है तो इसलिए इनकी वैल्यू को डबल कर दिया और इन सभी वैल्यूज का एवरेज कर दिया। अब कहोगे सर एवरेज के डिवाइड बाय 4 करना चाहिए, नहीं डिवाइड बाय 6 होगा, तो ये 6 वैल्यू है, 1 1 2 2 4 और 2 6, तो 6 वैल्यूज का एवरेज करोगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, हमें जस्ट ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा fxy क्या है, fxy क्या होता है, dy / dx को आप कंपेयर करो इससे, करो fxy की वैल्यू क्या आ गई दैट इज योर fxy विल बी 1 + y2, ये बन गया दैट्स व्हाई वेरीफाई। अब इसमें वैल्यू पुट करो x नॉट y नॉट, x नॉट क्या है 0, y नॉट क्या है 0, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी k1, तो मैं k1 निकाल रहा हूं यहां से फर्स्ट वैल्यू के लिए h, h कितना है 0.2 विद अ स्टेप साइज, fx नॉट y नॉट का मतलब हो जाएगा 1 + y नॉट स्क्वायर, तो 1 + y नॉट स्क्वायर फंक्शन यही है मेरे पास, x नॉट y नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपलीफाई करो इसको, y नॉट की वैल्यू है 0 तो 1 + 0 हमारे पास 1 और 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा 0.2, तो मेरा जो k1 है वो मेरा आ गया 0.2। नेक्स्ट पे आओ, h इज 0.2, नेक्स्ट f x नॉट + h / 2, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, x नॉट + h / 2 क्या बनेगा, h / 2 बनेगा 0.1 क्योंकि h की वैल्यू है मेरे पास 0.2, h / 2 हो जाएगा आपके पास 0.1, तो x नोट में 0.1 जोड़ो तो ये क्या बन जाएगा 0.1 कोमा
y नॉट प्लस के वन बाई टू, y नॉट क्या था जीरो प्लस k1 क्या है 0.2, बाय 2 करूंगा तो 0.1 ही रह जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब x की जगह और y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, दैट इज 0.2 into 1 plus 0.2 square, and with the help of calculator इसको सिंपलीफाई कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.202, इज इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। अब अगले आपके पास निकालना है k3, सेम इसी तरह 0.2 f x नॉट प्लस h बाय 2 यानी कि 0.1 y नॉट प्लस k2 बाय 2, y नॉट तो हमारे पास क्या है जीरो ही है, k2 मेरे पास ये है, बाय 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा 0.101 बन जाएगा, और सिंपलीफाई करो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.101 होल स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सिंपलीफाई करो, जैसे ही आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा 0.20204। इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशन था, देखिए पहले 0.2 था और मॉडिफिकेशन हुई इसके अंदर 0.202 होया, और मॉडिफिकेशन हुई उसके अंदर 0.20204 हो गया, अगली वैल्यू निकालेंगे हम k4 की, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 0.2 f x नॉट प्लस h, अब पूरा h चला गया, पूरा h चला गया तो क्या हो जाएगा 0.2 y नॉट प्लस k3 पूरा चला जाएगा तो 0.20204। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो और सिंपलीफाई कर दो, आपके पास आंसर बन जाएगा 0.20816। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए k1 k2 k3 k4 आपके पास निकल गया, एंड योर एम इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ k1 k2 k3 k4 इन दिस फॉर्मूला, यहां सब्स्टिट्यूट करो और डिवाइड बाय 6, ये खास से सारी वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय 6 कर देना आपके पास वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.2027। ये मेरे पास आ गया क्या मेरा k, मेरे को निकालना क्या है y1, y1 क्या बन जाएगा y नॉट प्लस k, तो y नॉट है मेरा 0, k आ गया मेरा 0.2027, तो योर आंसर इज 0.2027, तो मेरा y1 आ गया 0.2027। दोस्तों समझ में आया किस तरह से आया ये, अभी मेरा सिर्फ एक पेज निकला है, एक स्टेप से मैंने सॉल्यूशन को सिंपलीफाई किया। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखिए ध्यान से मेरा ये पॉइंट आ गया, अब मुझे क्या करना है इससे नेक्स्ट पे जाना है, तो अब इसको इनिशियल ट्रीट करके मुझे x2 और y2 निकालना है बाय द सेम प्रोसेस। अब आप कहोगे सर सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम, k का फॉर्मूला यही रहेगा, k1 अब की बार क्या बन जाएगा x1 y1, अगला पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, k2 क्या बस यहां पे नोट की जगह 1 पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा x1 plus h by 2 y1 plus k1 by 2 x1 plus h and y1 plus h, ये बन गया मेरे पास। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला यही है, सब कुछ यही है, बस मेरे को वैल्यूज अब इंटरचेंज करनी है, अब वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, मैं ये सभी वैल्यूज को इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सेम फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला बन गया k1 k2 k3 k4 फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए फॉर द नेक्स्ट पॉइंट है तो ये क्या बनेगा, h इज अगेन 0.2, f x1 इज माय 0.2 एंड y1 मेरा अब निकल चुका है क्या 0.2027, तो मेरे पास अब यहां रखूंगा 0.2027, इज इट फाइन, मेरे पास k1 की वैल्यू आ जाएगी, तो k1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.2082 बाय इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। कैलकुलेशन से आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, मैंने अभी आपको करके दिखाया 1 प्लस दिस का होल स्क्वायर होगा। अगले पे चलो k2 0.2f, अब ध्यान से देखिए x1 plus h by 2 तो क्या बनेगा, x1 is 0.2, h by 2 0.1 और एक ऐड हो गया तो ये बन जाएगा 0.3 एंड y1 plus k1 by 2, y1 is this 0.2027 और k1 is this, उसका हाफ करना आपको तो by 2 हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 0.2027 plus इसका हाफ करो, हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 0.1041। अब ये मेरा y1 होगा, दैट इज y1 प्लस k1 by 2। अब इसको सिंपलीफाई करके इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, 1 प्लस दिस का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी k2 की, वो आ जाएगी 0.2188। देखो और थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा इसका, इज इट क्लियर।
अब इसी तरह आप सिंप्लीफाई करो के थ्री को, एच एफ एच, अभी आपकी बार वैल्यू को ये यूज कर लेना, वेरी इजी, 0.2 F, ये तो 0.3 रहेगा और आपकी बार 0.2027, 2027 में क्या रखना है आपको, ऐड करना है इसका हाफ। अब इसका हाफ है ऐड करो, हाफ है हाफ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, पीछे डिवाइड करो, ठीक है, 0.1594 आपके पास ये बन गया, मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इसका होल स्क्वायर एडिशन करके फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगी K3B, वो आ जाएगी 0.2195। अब रह गई बात K4 निकालने के लिए 0.2F, आपकी बार पूरा चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में तो इनिशियल फाइनल और बीच में मिडल वाली बदली, 0.4 y1 प्लस K3, y1 है मेरे पास 0.2027 प्लस K3 मेरे पास ये आ गया 0.2195। इसको सम करो और स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2356। आपको कैलकुलेटर आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। बेटा K1, K2, K3, K4 चारों वैल्यूज आ गई। अगला काम क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है, K आ जाएगा और K आपके पास अब की बार नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K1 एज इट इज, K2 को डबल से मल्टीप्लाई, K3 को डबल से मल्टीप्लाई, K4 एज इट इज, डिवाइड बाय 6। जैसे आप डिवाइड बाय 6 करोगे आपके पास बन जाएगा 0.2201। तो मेरे पास ये K आ गया बेटा, ये K आ गया तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया। मेरा Y2 क्या होगा, मेरा Y2 कुछ नहीं होगा, Y1 में ये K ऐड कर दो। अब Y1 में K ऐड करना है आपको, Y1 क्या है आपके पास, Y2 के लिए आपको क्या करना है, Y1 में K ऐड करना है, तो योर Y2 इज, Y1 इज 0.2027 में ये K ऐड कर दो 0.2201 और सिंप्लीफाई कर दो, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा, कर लो 7182020222224, तो 0.4228 इज योर आंसर। तो ये आपका आ गया Y2, इट मींस आपको वैल्यू जो निकालनी थी 0.4 पे, 0.4 पे आपकी जो वैल्यू आ गई Y2, दैट इज 0.4228। तो इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पहले एक स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको इनिशियल मान के नेक्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखने का, फोर्थ ऑर्डर है तो इसलिए चार वैल्यू निकलेंगी, K1, K2, K3, K4 और इनका एवरेज ले लेना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।